कल हमने देखा था कुछ फंक्शंस यूजर्स की, ग्रुप की, अदर्स की,
सिंटेक्स क्या रहेगा सी एच मॉड यू जी ओ यानी यूजर ग्रुप और अदर्स प्लस ये आइटम लगा है आर्डर हुए तो फोल्डर नेम दे देंगे आप सब किसी ने दो यूजर बना रखे हैं तो ये कमांड यूज करें ट्राई किया किसी ने
permission change कर सकते हैं इसके अंदर फोल्डर की कटे कर सकते हैं फोल्डर के अंदर जितनी भी सब फाइल्स होंगी उनकी भी ओनरशिप उसी के साथ चेंज हो जाएगी या किसी ने ये कमांड ट्राई किया अपने सिस्टम पे क्या चेंज है ओनर नेम के अंदर जो आपका दूसरा यूजर है ना अदर थन रूट वो नेम याद कर क्या सर एक आपका यूजर है रूट का उससे पहले एक और यूजर था ना काली का या गौतम नाम से आपका वो वाला यूजर नेम यहाँ पे वो वाला ओनर नेम यहाँ पे एंटर करो ओनर नेम की जगह पे काली कर दूं ना हाँ काली अभी ये रूट का है तो काली कर दूं चलेगा ना हाँ काली कर दूं फाइल नेम में फाइल का नाम जो भी फाइल डेस्कटॉप पे अभी अवेलेबल है इसके भी चेक करो ls-l देखो इसका ओनर चेंज हो गया दिख रहा है पहले यहाँ रूट था काली हो चुका है चेंज करने में आते हैं काम इसको आपको ओनरशिप कमांड से भी कंबाइन कर सकते हो उसका पॉइंट करेगा chw-r नेम में क्या आएगा यूजर का नेम ओनर का नेम जैसे अभी गौतम ने काली डाला तो यहाँ पे नेम में क्या आएगा काली आपका अगर कोई यूजर नेम है तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे फाइल नेम फिर उसके साथ उसकी डायरेक्टरी उसकी डायरेक्टरी में जितनी भी सब फाइल्स फाइल्स फोल्डर्स सब होंगे उन सबकी ओनरशिप एक साथ चेंज हो जाएगी आर इसमें क्या होता है आर इसमें स्टैंड करता है रिकर्सिव जो ओनरशिप को हर सब डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर के अंदर भी नए ओनर से ट्रांसफर कर देता है चेंज कर देता है काली नहीं काली वाला नेम चेंज करना है इस काली चेंज करना है हम स्टार्ट करते हैं ऊपर यूजर और नीचे पासवर्ड डालते हैं ना हाँ वो चेंज करना हो तो पासवर्ड चेंज करने के लिए पासवर्ड उससे पासवर्ड चेंज होता है तो यूजर चेंज करना हो तो कैसे करें यूजर चेंज करना हो तो
यूजर आप जाके सेटिंग्स में क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो sudo su su नहीं तो sudo u भी करोगे तो एक नया यूजर क्रिएट हो जाएगा। sudo su हम यूज करते हैं तो कर यूज करते हैं, और sudo u अगर सिर्फ करोगे तो समझो यूजर एक क्रिएट होगा नया। एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन देनी है तो 333, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की देनी है तो 333, और 666 सिर्फ राइट और रीड की। परमिशन नंबर्स क्या है सिग्निफाई करते हैं, 0 कोई परमिशन नहीं देगा, सिर्फ यूजर के जो यूजर करंट यूजर है उसके लिए chmod 327 आपको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देगा, सिर्फ रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन यूजर के लिए, और राइट की परमिशन देगा ग्रुप के लिए और रीड ग्रुप के लिए, और रीड और राइट और एग्जीक्यूट हर यूजर के लिए, सिर्फ यूजर के लिए, फॉर द यूजर्स। ये कमांड अपने कार्य सिस्टम में तीनों कमांड्स के लिए अपने कार्य सिस्टम में एंटर करें एक ही दिन में, फिर चेंजेस देखें कि उनके परमिशंस में क्या क्या चेंज आ रहा है। सभी ये करेंगे परफॉर्म तीनों कमांड, तीनों कमांड परफॉर्म करें, 6.7 तीनों कमांड अपने कार्य सिस्टम में एंटर करें, और फिर चेक करेंगे कि डायरेक्टरी पोजीशन में क्या है।
change the code. उसके आगे हाइफ़न आर लगा दो बैकग्राउंड वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है सर, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कुछ। इस कमांड के बाद फोल्डर नेम या डायरेक्टरी नेम वो भी तो ऐड करते हैं। ये परमिशन किसके लिए दे रहा है, वो तो लिखा ही नहीं तुमने आगे। फोल्डर नेम या डायरेक्टरी नेम ऐड करना पड़ता है जी सर, हो जाएगा। और DBWA में किया था हमने सिमिलरली ऐसे। उसके बाद इन कमांड के बाद एक पर्टिकुलर या तो फोल्डर क्रिएट कर लो या डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, उसके बाद उसमें सबने हो गया कुछ चेंज।
चेंज हो गया है। अब अगर मैं कमांड
चेंजेस करता हूँ, CH0000 तो वापस से सिर्फ और सिर्फ यूज़र के लिए इसकी रीड राइट और एक्सिक्यूट की परमिशन अवेलेबल, ग्रुप्स के लिए और अदर्स के लिए कोई परमिशन अवेलेबल नहीं है। और एक कमांड है CH0327। राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है ग्रुप के लिए, राइट की परमिशन और फादर्स के लिए राइट राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन। इसको वापस चेंज कर सकते हैं। सभी ने देखे कमांड के यूज, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट इसके अंदर? क्या डाउट आ रहा है? क्या डाउट आ रहा है बताओ?
परमिशंस टेस्ट करने के लिए एक सबसे पहले डायरेक्टरी क्रिएट करना। डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करोगे, क्या कमांड है? क्या कमांड है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए? सबसे पहले तो एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लो। डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे? mkdir और कोई भी नाम दे दो डायरेक्टरी का, कुछ भी नाम, ठीक है, एंटर करो, एलएस करो, डायरेक्टरी क्रिएट होगी। जितने भी तुम्हें परमिशन इस पर टेस्ट करने हैं तो अपनी इस डायरेक्टरी पे टेस्ट करो। अब सबसे पहले कमांड लिखो ls हाइफन l, ls हाइफन l। परमिशन चेक करने के लिए अभी हमारी इस डायरेक्टरी को क्या क्या परमिशंस गिवन है। ठीक है, अभी तुम्हारे पास राइट यूजर्स के लिए एक्सिक्यूट और रीड की और अदर्स के लिए सिर्फ एक्सिक्यूट की परमिशन अवेलेबल, ठीक है। और तुम्हारा ओनर इसमें रूट है और ग्रुप रूट है। अब हमें ग्रुप भी चेंज करना है, ओनर भी चेंज करना है और तीनों परमिशंस भी चेंज करनी है पर्टिकुलर इस अजय नाम की डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। सबसे पहले ओनर नेम चेंज करने के लिए क्या कमांड यूज करोगे? chown 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 फिर काली लिखो, अगर यूजर नेम काली लिखो, काली
काली काली और अपनी डायरेक्टरी का नाम अजय, एंटर, वापस करो ls-l, हमारे यहाँ पे नहीं, बस 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 देखो पहले वहाँ रूट आ रहा था ऊपर, अब ओनर नेम काली हो गया। सिमिलरली ग्रुप चेंज करने के लिए कमांड है chgrp, chgrp, सेम देखो काली और डायरेक्टरी का। जहाँ दोनों जगह काली आ जाएगा, ग्रुप नेम में भी काली आ गया होगा, आ गया दोनों। अब पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी की तुम्हें सारी परमिशन रीड राइट और एक्सिक्यूट की तीनों परमिशन देनी है। क्या कमांड है? chmod 777 और डायरेक्टरी का नेम। देखो ls-l, इसको तीनों परमिशन मिल गई। अब 700 chmod 700 सिर्फ यूजर के लिए इसमें रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन अवेलेबल है, सिर्फ यूजर के लिए। ग्रुप के लिए जीरो है और अदर्स के लिए भी जीरो है, कोई परमिशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूजर रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है तुम्हारी इस डायरेक्टरी। अब 327 चेक करो ls-l, देखो इसमें यूजर के लिए राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशन है, ओनर्स के लिए सिर्फ राइट की परमिशन है, और ग्रुप के लिए रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन अवेलेबल है। ऐसे ही उसको चेंज कर सकते हैं जीरो से लेके सेवन तक, जो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में, जो फर्स्ट प्लेस होती है 777 में, जो फर्स्ट प्लेस होती है वो होती है आपके ओनर्स के लिए, यूजर्स के लिए। सेकंड सेवन आता है आपके ग्रुप्स के लिए, और थर्ड सेवन प्लेस आती है आपकी अदर्स के लिए।